तों के शहर से भी पहचाना जाता है और ये एक बहुत मैं समझता हूँ इस वक्त ये इवेंट करने की आ, बहुत ज़रूरत थी क्योंकि जो लॉकडाउन गुजरा जो मामला गए लोग इतने डिजार्ड हुए हैं लोग इतने परेशान हुए हैं उनको कोई तफरी चाहिए थी कोई प्रोग्राम चाहिए था कि जिसमें वो थोड़ा सा इन्जॉय कर सकें जिसमें वो खुल सकें मतलब फैमिलीज़ जो हैं वो बड़ी परेशान हो चुकी हैं इवेंट का थीम समझाता चलो के जैसे कि बाबर भाई ने बताया कि डे वन मौसम पाकिस्तान को ट्रिब्यूट किया है डे टू हमने जो कि ज़िशान भाई ने भी बात की लिविंग लेजेंड्स जो अभी हैं हमारे साथ जैसे यूनस ख़ान हैं असद साहब हैं और बहुत सारे ऐसे नाम जो मैं शायद याद नहीं कर पा रहा जिसमें से आठ से दस बड़े सितारे जो स्पोर्ट्स के सितारे हैं उनको बुलाया गया है और उनको हम लिविंग लेजेंड्स को जो है हम अवार्ड से नवाज रहे हैं और वो अवार्ड दे रहे हैं आपके डी रेंजर पाकिस्तान रेंजर्स के पाकिस्तान रेंजर्स के Uh, इस इवेंट को होल uh, सोल uh, जो है वो आपके पाकिस्तान रेंजर्स हमें सपोर्ट कर रही है विद दी कॉरपोरीशन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध खुद तीन दिन यहाँ हमारे साथ अवेलेबल होंगे और उनका अपना स्टॉल लग रहा है उनकी अपनी एग्जिबिशन लग रही है इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक चीज़ बाजी कर दूँ कि क्योंकि सकाफत जो दहाड़ो जो कि हमने एक स्लोगन आप समझें कि एक तरीके से टेक लाइन दी हुई है सकाफत जो दहाड़ो तो सकाफत जो डहाड़ों में हमने वहाँ सकाफ़त से रिलेट जो सिंध के हमारा कल्चर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने वहाँ स्टॉल के तौर पे हमने एग्ज़िबिशन लगाई है जिसमें ढोल है ढोल की जिसमें डांस है मटका है और जिसमें सूफ़ी कलाम है कुछ हमारे फेमस सिंगर्स हैं आ, हमने तीनों दिन कॉन्सर्ट भी रखा हुआ है और हमारी कोशिश ज़्यादा ये भी है कि क्योंकि कराची एक मिक्स आबादी है यहाँ सिर्फ सिंधी नहीं है और आपको पता हम सिंध का हिस्सा हैं तो हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है तो हमने सिंध के मुनासिब से सिंधी सॉन्ग और हमने उर्दू स्पेशली पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है नेशनल सॉन्ग्स तो वो भी हमने इसमें रखे हुए हैं लिविंग लेजेंड्स जो भी हमारे पास जा चुके हैं और उनके लिए पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है और इन जो कल्चर है हमारे सिंध का सिंध धरती का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा आया करना चाह रहे हैं क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं सिंध की सखावत कितनी पुरानी है हमारे बच्चों को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी इसमें ऑन बोर्ड किया है डिफरेंट वॉक ऑफ़ लाइफ की इंस्टीट्यूशनस को भी इसमें ऑन बोर्ड किया है ताकि सब कलेक्टिव एफर्ट के साथ इसको अच्छे से अच्छा करें फ़ैमिलीज़ को बच्चों को हर वॉक ऑफ़ लाइफ को इसमें इन्वॉल्व किया है और कोशिश यही है कि इसके ज़रिए हम सिंध कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें सिंध लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें यहाँ की सखावत यहाँ के रंग नसल यहाँ की म्यूज़िक यहाँ की इतनी डेप्थ रिच नॉलेज है उसको सब जगह लेके जाएं पूरी दुनिया में यहाँ करें तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चांडियो साहब का और शरियार का जिन्होंने इतना ज़बरदस्त इनिशिव लिया है और हम इनके साथ हैं इस प्रोग्राम में अच्छा मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम इवेंट की जो हमारे साथ कंपनीज़ हैं जो इस्पॉसर्स हैं बहुत अच्छा इवेंट है ये और बहुत अरसे बात कर डेढ़ दो साल बाद कल्चर के हवाले से ये इवेंट हो रहा है और इसमें तमाम सेलिब्रिटीज़ को स्पोर्ट्स स्टार को बुलाया गया है ट्रिब्यूट दिया जा रहा है तो जो लोगों ने मेहनत की है इसमें सब ने मुझे उम्मीद है कि यह एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होगा तीन चार और पाँच दिसंबर को हम सिंध कल्चर डे के हवाले से एक फैमिली फेस्टिवल का इनका पाकिस्तान मेरी टाइम म्यूजियम में कर रहे हैं और आप तमाम हजरात को मैं इसमें शिरकत की दावत देता हूँ कि वह आएँ और मोहब्बतों की इस धरती से अपनी मोहब्बत का इज़ार करें क्योंकि किसी भी अजीम कौम की जो पहचान है वो उसकी सकाफ़त है और हमारा सूबा सूबह सिंध सकाबिल फ़्र विरसे का अमीन है और हमें उससे बाजा तौर पर फ़ख्र है